फॉर एडमिशन इन MBBS इन कजाकिस्तान प्लीज कॉन्टैक्ट फोन 8949841684। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा मुख्यालय के भटीपुरा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। अपनी जमीन पर जबरन JCB चलते देख जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को मना किया तो दूसरा पक्ष विवाद पर आमादा हो गया। विवाद की खबर लगते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्षों को जमीन के कागजों के साथ तहसील बुलाकर अपना अपना पक्ष रखने की बात कहकर मामला शांत करवाया गया। पूरा मामला महोबा मुख्यालय के भटीपुरा मोहल्ले में चंडिका देवी मंदिर से लगी एक जमीन का है, जहां पर 157 कै रकबा 1.30 एकड़ एवं 157 कै रकबा 1.85 एकड़ के साथ ही NZ1A गाटा संख्या 250 पर कब्जे को लेकर मालिकाना हक को लेकर दिनेश सिंह व अन्नू सोनी के बीच जमकर विवाद हो गया। पक्षकार दिनेश सिंह ने आरोप लगाया कि जमीन पर सुबह ही सुबह JCB चलवानी शुरू कर दी, साथ ही ये कहकर धमकाने भी लगे कि जहां जाना है पुलिस अदालत चले जाओ, न्याय ले लो। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत करवाया और जमीन के दस्तावेजों के साथ तहसील बुलाकर मामले की पड़ताल की। मामले में पुलिस प्रशासन के मुताबिक जमीन से संबंधित वाद न्यायालय में लंबित है, जबकि दोनों ही पक्ष उसे अपना अपना बता रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में दोनों पक्षों को सुलहनामा लिखवा लिया गया है कि जब तक मामले में न्यायालय का फैसला नहीं आता कोई भी पक्ष विवादित जमीन में मौके पर पहुंचकर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करेगा। मामला यह है कि एक चंदकन वाली रोड में भटीपुरा में 157 का एक नंबर हमारा है। बगल से बुंदेला जी की जमीन लगी हुई है, नॉनजड़ी जमीन है, पट्टे वाली जमीन है। बुंदेला जी से हमारा एक साल से बराबर विवाद चल रहा है। बुंदेला जी ने ये जमीन अन्नी सोनी उड़ई के नाम एग्रीमेंट कर दिया अपनी जमीन के नाम। अन्नी सोनी विधायक बिजनौस राजपूत के बहुत खास पीए माने जाते हैं और वो ज़बरदस्ती हमारे खेत में JCB चला रहे थे। हमारे रोकने पे वो नहीं रुके, सरकारी कैनर से बगा, फिर हमें पुलिस प्रशासन बुलानी पड़ी, तब वहाँ जाके काम रुका। क्या लगता है आपको, सत्ता का पावर दिखा रहे हैं? बिल्कुल पावर दिखा रहे हैं, लेकिन ये योगी सरकार है, इसमें चल नहीं पाएगा पावर। 157 का जमीन हमने खरीदी थी, उसमें अन्नू सोनी नामक का कोई व्यक्ति भाई का जबरदस्ती JCB के परसों आया और हमारी भेड़ छोड़ डाली और आज फिर वो कम से कम 50 आदमियों के साथ कुछ असलाहों के साथ आया और उसमें कब्जा करने लगा। तो हमने पुलिस फोर्स और SDM साहब सबको इत्तला करवाई, तो उसके बाद फोर्स पहुंची और उन्होंने हमें तहसील बुलवाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि पूरे घरों में लोग अपने कागज दिखा और कल उसका निर्णय। कौन है ये अन्नू सोनी, कहाँ रहते हैं? ये उरई के बताए जा रहे हैं, इनका और कोई ज़्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं है। विधायक जी के साथ रहते हैं, बताते हैं, विधायक जी के बहुत खास व्यक्ति। कौन विधायक? चरखारी विधायक। क्या लगता है आपको, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है अगली पार्टी? अब भैया ये तो सब जानते ही, सत्ता के संरक्षण में ही काम चलता है, तो न्याय मिल पाएगा आपको? बिल्कुल भैया, योगी सरकार है, BJP गवर्नमेंट में किसी के साथ अन्याय कभी हो नहीं सकता। कोर्ट और हमें पूरा भरोसा है न्याय का, BJP गवर्नमेंट पे हमें पूरा भरोसा, योगी जी हमारे साथ बिल्कुल न्याय करेंगे। 157 यही भटीपुरा बड़ी चंद्रिका देवी के पास हमारी जमीन है, 157 था जो हमारा रजिस्टर्ड बैनामा 2019 में हमने खरीदी थी अब्दुल रशीद से, अब्दुल रशीद के लड़के से, उनकी पत्नी का नाम सुरैया बेगम था, उनसे उनके लड़कों से खरीदी थी। और उसमें बगल में हमसे साल डेढ़ साल से बराबर ये विवाद मचाता रहा, इंदु बुंदेला और उसकी माँ का नाम सरता बुंदेला, कई बार विवाद हुआ। वो उन्होंने अपना एग्रीमेंट कर दिया है, एक अन्नू सोनी है यहाँ वही के सराफा बाजार के, वो परसों ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन में JCB चलाते रहे, परसों मना किया तो मेरे तोड़ ताड़ के मना कर दिया, रोक दिया। आज फिर दोबारा ट्रैक्टर लेके और गिट्टी इट्टी लेके पहुँचे, फिर हम लोगों ने SDM साहब और CO साहब और इनको चौकी इंचार्ज साहब को सबको फ़ोन किया, मौके पर पूरी फोर्स आई और अन्नू सोनी न 7-8 गाड़ियों से विधायक जी के बिजभूषण राजपूत के सरकारी गनारन लेके और पूरा उससे पहुँचे थे, लेकिन अभी SDM साहब ने काम रुकवा दिया, उन्होंने यातायात स्थिति का आदेश किया है, कल तक कागज जाकर दिखाने के बाद ही कुछ निर्णय। किस जगह जमीन है आपकी? भटीपुरा महोबा।